दोनों मेथड याद रखना। क्यों सर? क्योंकि आंसर बाबू है ना, जो भी है बोला हम लोग को बाबू, जब एलसीएम आगे फ्रैक्शन का एडिशन सिखाएंगे ना, तो वहां पे एलसीएम बाबू डायरेक्ट निकाले ला सिखाएंगे, है ना? ठीक है ना? तो वही चीज आपको समझना है, तो देखो बाबू कैसे करना है। ठीक, ना देखो कैसे ना करना है। जैसे क्या है, यार, हालांकि कभी बहुत पिटेंगे, फाइंड द एलसीएम ऑफ, जैसे क्या बाबू समझो, जैसे 3 है, 6 है ना बाबू, 9 है भोला, कौन जो खबर है जी? एक बार नहीं पिटाई खोलती, सुनती बोलिए बात थोड़ी भी लोग अभी भगाएंगे रबे बाबू। क्यों बाबू ये सब बात मिस बिहेवियर करती हो जी? शैतान हो गई है, संस्कार है ना सीखिए। 3 है, 6 है, 12 है, 9 है, इसका कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए, तो डरेगा नहीं? डरना कैसे करना है? फर्स्ट मेथड बोलना, सॉल्यूशन है ना, फर्स्ट मेथड आंसर कि नहीं? देखो कैसे करोगे, हम लोग नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर इससे बड़ा 6, फिर 6 से बड़ा कौन है? 9 है, तो 9 लिखना, फिर सबसे बड़ा लास्ट में। ठीक, उसके बाद मेरा अभिनव से बच्चा क्या करेगा है ना, नंबर को घेर देगा, जो सबसे बड़का नंबर है इसमें उसको घेरा लगा देना, उसको क्या करना, बाउंड्री से घेर देना। घेर दिए सर, जो सबसे बड़का नंबर था, सबसे बड़का नंबर कौन है? 12 है, तो इसको क्या किए, घेर दिए ना। नहीं। अब जो नंबर नहीं घेरा हुआ है उसका, हालांकि जो नंबर नहीं घेरा उसका टेबल पढ़ेंगे, जैसे है ना ये 3 नंबर बच गए ना बाबू, इस पर सबका क्या पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे। अरे भैया वीडियो ऑन करो, बोले अरे भैया वीडियो ऑन करो जी, ये सबका क्या पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, ये सारे के नाइन के टेबल मेरे। टेबल में नहीं आ रहा है, बोलो अच्छा ठीक, ये सब सारे के टेबल में आ जाएगा तो वही एलसीएम होगा। ठीक, अगर नहीं आएगा तो फिर अगला टेबल पढ़ेंगे 12 का, जैसे क्या सर, जैसे ये सर है ना, 3 का टेबल पढ़ो 12 ला, 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ सर 4 टाइम, 6 का टेबल पढ़ना 12 आता है, 6 2 12, 9 का टेबल पढ़ो 12 आता है, नहीं आता, 9 के टेबल में 12 कहाँ आता, नहीं ना आता, नहीं आता, तो फिर 12 का अगला टेबल पढ़ना है, 12 2 जा 20, 36, 12 2 जा कितना, 24। 36 ठीक, आंसर। अच्छा ठीक, फिर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे 24 लाएंगे, 3 के टेबल में 24 आता है, हाँ सर 3 8 जा 24 होता है, फिर बाबू 6 का टेबल पढ़ेंगे 24 लाएंगे, होता है सर, हाँ 6 4 जा 24, 9 के टेबल में 24 नहीं आता, तो जितना फास्ट आपको टेबल रिमेम्बर होगा उतना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा। तो फिर क्या करोगे, 12 का 2 2 जा 24, अगला टेबल 12 3 जा 30 है ना? ठीक सर, अब फिर से हम लोग चेक करेंगे, 3 के टेबल में 36 आता है, हाँ सर 12 3 जा, आपको टेबल स्ट्रॉन्ग रखना, 6 के टेबल में 36 आता है, हाँ सर 6 6 जा, 9 के टेबल में 36 आता है, हाँ सर 9 4 जा, तो बाबू ये तीनों के टेबल में आ गया ना, जब इधर जो भी नंबर है उस सारे के टेबल में इधर वाला आ जाएगा तो वहीं रुक जाना है, वहीं क्या करना है, रुक जाना, मतलब यही एलसीएम होगा। म्यूट करके रखो जी, यानी तो सबको म्यूट कर देंगे, मतलब क्या भोला, वो एलसीएम पूछेगा मेरे भोला, किसका सर, 3 का 6 का 12 का 9 का, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक सर है ना? ठीक, सर मुझे अजी एलसीएम आता है, मैं चला जाऊं सर? आता है बाबू, तो इसके बाद सिखाएंगे ना जी, एलसीएम आता है, एडिशन सिखाएंगे, बैक सर मैं हूँ आकर्ष, मैं सीख लिया हूँ। आया कर, हाँ कर सीख लिया था, क्वेश्चन कैसे देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा, सेकेंड मेथड, तो हम लोग दोनों मेथड से सीखेंगे। देखो सेकेंड मेथड में क्या करना, जो नंबर है वही लिख दो, उसके बाद क्या करोगे,
अंदर देखो टू के टेबल वाला कोई नंबर प्रेजेंट है? हाँ सर, सिक्स भी प्रेजेंट है, ट्वेल्व भी प्रेजेंट है, तो यहाँ टू से डिवाइड कर दो। टू के टेबल में थ्री आता है तो नहीं आएगा, तो वही नंबर लिख देना। टू के टेबल में सिक्स आता है, कितना टाइम है? हाँ सर कितना, टू थ्री जा, तो थ्री लिखना है बाबू सोहन। टू के टेबल में ट्वेल्व पढ़ो, आता है? हाँ सर, टू सिक्स जा ट्वेल्व होता है, तो सिक्स लिखना। टू के टेबल में नाइन पढ़ो, टू के टेबल में नाइन आता है? नहीं आता, तो नाइन लिखना। नेक्स्ट बोला, फिर देखो अंदर कोई दो के टेबल वाला नंबर प्रेजेंट है तो टू हो गया, ये थ्री हो जाएगा। टू के टेबल थ्री नहीं आता, थ्री लिख दो, ये भी थ्री लिख दो। टू के टेबल में सिक्स आता है? हाँ सर थ्री टाइम। टू के टेबल में नाइन आता है? नहीं आता है, तो नाइन लिख देना। अंदर देखो कोई टू के टेबल वाला नंबर प्रेजेंट है ना? या नानी अभी ऑन करो जी। अंदर कोई टू के टेबल वाला नंबर प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो फिर थ्री से सोचेंगे। किससे सोचना? थ्री से। थ्री के टर्म थ्री वन टाइम है सर, थ्री के टर्म थ्री वन टाइम, थ्री के टर्म थ्री वन टाइम, थ्री के टेबल में नाइन, थ्री के टेबल नाइन थ्री टाइम। हमको कहाँ रुकना है? जब तक लास्ट में वन वन नहीं बच जा, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलता कि कहाँ रुके। तो आउट थ्री वाला टेबल है सर? हाँ सर, तो एक बार और लगा, ये वन है, वन है, वन है लिखना। थ्री के टर्म थ्री कितना टाइम है? वन टाइम, तो लास्ट में वन वन आ गया ना, तो रुक जाना। जब तक लास्ट में वन वन नहीं आएगा, नहीं रुकना। यहाँ पे आ गया तो रुक जाएंगे। तो एलसीएम क्या होगा? ये सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री, मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा। राइट डाउन करो, जिसको नहीं समझ में आया फिर समझाते हैं। रबिया वीडियो ऑन करो जी। लिखो रब्या, बोली। सर नहीं दिख रहा। नो सर। नहीं हाला, नहीं नहीं दिख रहा बाबू अभिनव सिंह। चलो अब दिखा अभिनव सिंह, सर लिखिए तो। नेक्स्ट बाबू, दुर्गा नहीं है और बाबू वैष्णवी नहीं है, फिर उसको लेगा। जल्दी लिखो जी। तो टेबल बाबू हम लोग बाबू एलसीएम इसी तरह से निकालते हैं, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं। सर आप 2 मिनट अच्छा देते हैं, आप बोलते बहुत ज्यादा टाइम देते हैं। सर अच्छा लिखो जल्दी जल्दी लिखो जल्दी लिखो। इसको लिखें। क्या कर रही थी जी इतना देर से बैठ के? सर तो आप लोग से बाबू फिर डायरेक्ट पूछेंगे, बिना कॉपी कलम का एलसीएम पूछेंगे डायरेक्ट बाबू, माने से डायरेक्ट बताना, बिना कॉपी पेन यूज किए हुए। देखो बड़ी इजली पूछ ली लेगा। सर इजली से सर जल्दी नहीं लिखिए, जरूर बड़ी होगा। सर जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते। देखो क्या है, रुकिए सर, आप रुकिए सर। संस्कार हैंड रेज किया है। आय शैतान सांद्र का है बाबू, संस्कार हैंड रेज करता जी। नेक्स्ट बोला, जल्दी सर हम सेकंड मेथड लिख रहे हैं। लिखो। रुकिए लिखा अभिनव सिंह, अभिनव सिंह बाबू, वेरी जल्दी। गुड। मैं जी सेकंड मेथड में हूँ, अच्छा मिटाइएगा। 190 नंबर क्वेश्चन। फोर फाइंड द एंड एलसीएम ऑफ बाबू, जैसे 4 है, 8 है, 16 है ना बाबू। हम मान लो 24 है, क्या 24 का टेबल अभी आप लोग को आता नहीं?
अच्छा का 48 6 है तो कैसे करेगा, डरेगा नहीं डरेगा, देखो कैसे करेगा बच्चा मेरा, बच्चा कैसे करेगा मन का सच्चा, देखो कैसे करना बाबू मेरे। लिखे क्या? अच्छा नहीं हम समझा रहे हैं, देखो बोला कैसे करोगे यार बाबू, अदिति और अधिराज, और इस तरह से स्कूल में आपको नहीं पढ़ाया जाता होगा अदिति, है ना अधिराज बाबू। लिखे पढ़ना नेक्स्ट सर म्यूट कर दिए। हाँ सर ठीक, जो सर नहीं लिख अभी पाते तक 2 मिनट कुछ भी नहीं था। भाग गया। जल्दी करो जी, तो इतना देर से बैठ के करते हो क्या आप लोग, अब लिखते नहीं होते जी। नेक्स्ट बाबू देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा, नहीं लिख पाते बाबू तो रिकॉर्डेड भेजते हैं ना वहां से लिख लीजिएगा, नहीं तो देखो क्या करोगे बाबू, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और है सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फोर के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, है ना, फोर है बोला, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये सब सही तान अनम्यूट करता है बाबू। देखो जी फर्स्ट मेथड, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, फोर लिखेंगे, फिर थोड़ा सा बड़ा, फोर से बड़ा कौन है, सिक्स है, सिक्स से बड़ा एट है, एट से बड़ा कौन है, 16 है। ठीक सर, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, आप जो सबसे बड़का नंबर उसको घेरा लगा दो, उसको घेरा लगा दो, जंतर मंतर काली कलंतर घेरा लगा दो। ठीक सर, सबसे बड़ा नंबर 16 है, 16 को घेर दिया, जो नंबर नहीं घेरो उसका टेबल पढ़ो, पढ़े सर, फोर के टेबल में 16 आता है सोचो, हाँ सर 4 4 जा 16 होता, सिक्स के टेबल में 16 आता है, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 18, सिक्स के टेबल में 16 ही ना आता, तो फिर अगला टेबल पढ़ना है किसका, इसका 16 का अगला पढ़ोगे आंसर आज कितना, 32, 16 2 जा 32, सारे को टेबल याद होना, कभी नहीं याद रहेगा ढूंढ लेंगे आंसर आज, पहले ही बोलते हैं 20 अभी कोई मुंह मायने आंसर आज, समझा आंसर आज बोला, अभी कोई मोमा नहीं, 20 तक के टेबल कंप्लीट रखना बोला। नेक्स्ट बाबू फिर देखेंगे, 4 के टेबल में 32 आता सोचो, 4 के टेबल में 32, सर 4 8 जा 32, 6 के टेबल में 32 आता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, नहीं आता, नहीं आता तो फिर 6 2 जा 32 और 6 16 का अगला टेबल, 32 16 3 जा 48, ठीक ठीक अब उसके बाद फिर से टेबल पढ़ो, 4 के टेबल पढ़ो 48 आएगा, 4 के टेबल में, हाँ सर 12 4 जा 48 होता, 4 के टेबल में 48 12 4 जा, 6 के टेबल में 48 6 8 जा, नया अभिनव राज, 8 के टेबल में 48 8 6 जा, तो ये सारे के टेबल में अपने राज 48 आ गया ना बाबू, ठीक, तो ये सारे के टेबल में आ गया बाबू, तो यही एलसीएम हो जाएगा, मतलब एलसीएम ऑफ बाबू 4 8 बाबू 16 और 6 का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, तो मेरा बच्चा बाबू डायरेक्ट मने मने टेबल पढ़ेगा और निकालेगा, कॉपी कलम की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा बच्चा इसको रिवीजन करेगा, प्रैक्टिस करेगा, डायरेक्ट पूछेंगे 1 बाय 1 करके, है ना, जब सारा बच्चा बता देगा तो फिर एडिशन सिखाएंगे फ्रैक्शन का, कि नहीं, ठीक सर। सेकेंड मेथड, स्कूल वाले मेथड में क्या करेगा, जो नंबर है वही लिख दो, 4 लिख लो 8 लिख दो 16 लिख दो 6 लिख दो, ठीक ठीक सर। अब क्या करेगा, देखो क्या करना, अंदर देखो 2 के टेबल वाला कोई नंबर प्रेजेंट है, हाँ सर 2 के टेबल में 4 2 टाइम है, 2 के टेबल में बाबू 8 कितना टाइम में आएगा, 4 टाइम में, 2 का टेबल पढ़ो 16 कितने टाइम में, 8 का टाइम में, 2 का टेबल पढ़ो 6 कितने टाइम में, 3 टाइम में, आगे फिर पढ़ाओ 2 के टेबल वाला अंदर कोई नंबर प्रेजेंट है, हाँ सर बहुत सारा,
तो फिर टू कट आउट पढ़ना, टू कितना टाइम है, 1 टाइम है, टू कट आउट पढ़ो फोर कितना टाइम है, 2 टाइम है, टू कट आउट पढ़ो एट कितना टाइम है, 4 टाइम है, टू कट आउट पढ़ो थ्री आएगा, नहीं आएगा तो थ्री थ्री लिख देना, फिर टू बाबू 1 है 1 लिख दो, टू कट आउट पढ़ो टू कितना टाइम है, 1 टाइम है, टू कट आउट पढ़ो 4 टाइम है, 2 टाइम है, टू कट आउट पढ़ो थ्री कितना 8 टाइम में, ठीक बोला। नेक्स्ट बाबू आगे बोला, फिर हम लोग क्या करेंगे, टू अंदर प्रेजेंट है ना सर, तो टू ये से करना, 1 1 टू कट आउट 2 1 टाइम है, फिर थ्री कब रुकना जब तक लास्ट में 1 1 नहीं हो जाए, फिर थ्री 1 1 1 थ्री थ्री कट आउट 1 1 इधर वाला जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस सारे को मल्टीप्लाई कर देना, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो जाएगा, लिखो। सारा बच्चा को समझ में अब आ गया होगा, लिखो अव्या बाबू अनन्या, समझ फिनिश सर। गई अदिति, ये बोले अदिति, अदिति अदिति अनम्यूट कीजिए उसके बाद बोलिएगा तो आवाज आएगा, तो स्कूल में ऐसे सर, करके, अच्छा स्कूल में ऐसे करके नहीं बताया जाता बाबू, अधिराज अधिराज सर स्कूल में नहीं पढ़ाया गया बाबू, ऐसे करके आपको नहीं सिखाया गया जल्दी से निकाले ला, यस सर आपकी गलती नहीं है, बोला स्कूल में बाबू सब टाइम वेस्ट हो करते हैं, लिखो लवण्या, सारे बच्चे को एक बार दो बार प्रैक्टिस करना है, अच्छा डीआईवाई दे दीजिए ना प्लीज बनाए सर। पहले, डाउट है इसलिए मैं स्टेम के इस डाउट को पूछ सकती हूँ सर। अरे हाँ जी तो डाउट है पूछिएगा, आपको सिखाएंगे ये जो एलसीएम है उसका सेकंड सेकंड में शॉर्ट मुझे समझ भी नहीं आया। डीआईवाई दे दीजिए कहानी समझ में आया, टेबल पढ़ो बाबू टेबल पढ़ते चलना है, इधर से फिर इधर पढ़ते चलना है, इधर से टेबल पढ़ो फिर इधर से पढ़ो, सर, फर्स्ट थर्ड सर सेकंड थर्ड सर साइड रन हाँ साइड है बोले, अब कितना साइड हो गए, मिलेंगे आप एक एक्स्ट्रा क्लास लीजिए 7 बजे से 10 बजे तक। अच्छा ठीक तोबा तोबा सर डन ऐसे सर। दोपहर का और रात का दोनों का मुझे वो बेसिक क्लास दे दीजिए 7 से 10 बजे अच्छा फाइंड द एलसीएम ऑफ बाबू, तक। डन सर सिर्फ 2 ही बची तो 2 ही दो सर नीचे की जो स्क्रीन ही दो दीजिए दो ही देते हैं, अच्छा है सर। सर एलसीएम कल पूछेंगे आज इतना रिवाइज करके आप लोग आएगा, आप लोग से मुझवाने बिना कॉपी कलम का एलसीएम निकालने के लिए आ जाना चाहिए सबको, ओके सर। सर इजी अगर कल आप एलसीएम सर पूछेंगे इजली तो बता कल आप देते हैं डीआईवाई नहीं दीजिएगा। लिखिए बाबू लिखिए, भोला भोली देंगे ऐसा सर नहीं था, लिखी हो भी पढ़ाए जो लिखी संविता की, सर नहीं लिखी जी लिखिए पढ़ाए जो भी लिख, सर नहीं लिखी हो ना जी, लिखिए ये वाला दिखाओ लिख दिखाओ रही ये वाला, इसका पहले 2 क्वेश्चन पढ़ाए, 89 189 190, वो कौन लिखेगा, कहाँ दिखा रही है बड़ा कीजिए अल्लाह नहीं जी, कहाँ लिखी सर संविका 189 जी, मेरा सर उसको बहुत लाइक।